मेरा सपना ये है कि सरसा शहर में कोई भी एंटर करता है तो उसको बताने की जरूरत ना पड़ेगी ये सरसा है। वो पेड़ ही बता रहे होंगे कि सरसा शहर में वो आ गया, डिस्ट्रिक्ट में आ गया। मेरा नाम गुरविंदर सिंह कुमन है। मेरा बचपन से ही मैं अपनी मदर को गार्डनिंग करते देखता था। बड़े शौकीन है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स लगाने के, प्लांट्स लगाते रहते थे और मैं उनके साथ जाता था तो मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया था। मैं कई सालों से चंडीगढ़ भी कभी साउथ जाता रहता था तो वहाँ मैंने फ्लावरिंग ट्रीज देखे, बहुत खूबसूरत थे। तो मेरे दिमाग में आया कि सरसा में क्यों नहीं भाई हमारे। पिछले साल अगस्त में मैंने ये मिशन शुरू किया जिसका नाम मैंने ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सरसा रखा। ये एक नया प्रयोग है, एक नवा एक्सपेरिमेंट है और बड़ी देर बाद होने वाला है। तो कहीं पानी सूट नहीं करेगा, कहीं मिट्टी सूट नहीं करेगी, कहीं क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, पर वी होप फॉर द बेस्ट। आज की सबसे बड़ी जो आवश्यकता नहीं बल्कि मैं अगर कहूं कि अनिवार्यता है, तो जो एक ग्लोबल क्राइसिस आ रहे हैं सारे विश्व में और वो पर्यावरण और साथ में अर्थ वार्मिंग के आ रहे हैं, उसके लिए जो एकमात्र समाधान है कि यहाँ पे पूरी सृष्टि में पूरी धरती पे जो ग्रीनरी है, वृक्षारोपण है, वो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। आज मैं इस बात के लिए, हालांकि सिरसा एक बड़े रिमोट एरिया में है, लेकिन श्री गुरविंदर जी जो कि हमारे भाई समान हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नोबल कॉज जिसको अडॉप्ट किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि इंसान के जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्व और आकर्षण की चीज़ होती है तो वो फूल हैं, पुष्प हैं। और अगर आपकी बगीची में, आपके गलियारे में, आपके घर में, आपके पार्क में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर ऐसे पौधे, तो अलग बात है, लेकिन ये तो वृक्ष लाए हैं जो फूलों से लबालब होंगे। और अगर इसमें मुझे लगता है कि ईश्वर और वाहेगुरु की इन पे बहुत कृपा है और इनका अभियान जो इनकी अपनी एक कमिटमेंट से चला है, ये बहुत आकाश की बुलंदियों को छुएगा। और यह सिर्फ सिरसा तक नहीं, इस जिला तक नहीं, बल्कि कम से कम प्रदेश के प्रत्येक कोने में जाएगा, इसका तो मुझे पूरा विश्वास है। और समाज को, देश को और मानवता को और विशेषकर पूरी सृष्टि को यह अपने आप में बहुत बड़ी देन होगी। ये काम तो वैसे सरकार का है जो ये कर रहे हैं, एक समाज सेवी के नाते कर रहे हैं, तो सरकार से जो भी उस दायरे में आएगा वो सब हर संभव चीज़ निश्चित रूप से करेंगे और करवाएंगे। हमारे गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषियों ने खोज करके, पीड़ों को खोज करके हमें ग्रंथ किए जो आयु मैं एप्रिशिएशन करता हूँ। कम से कम मोमेंट तो चलाई है, हमारे में जागृति को पैदा हो, शायद पेड़ भी वही हो, फूल भी वही हो, जब फूल खिले होंगे लोग कहेंगे यार सरसा देखो कैसा बन गया। जब से शुरुआत की है तो इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जो सब लोग यहाँ पहुँचे हो, सबका तहे दिल से या आने पर गुरविंदर जी की तरफ से और इनकी सारी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। और जो हमारे खास मेहमान हैं, इन सब का भी दोबारा आपको यहाँ आने पर जी आया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। ये मेरा प्रोजेक्ट फ्लावरिंग ट्रीज के उत्ते वे ते प्लांट्स होंगे ने फुलां वाले, तो दरख्त भी होंगे जो फुलां वाले जिहड़े साडे सिस्टम विचों गैप कह लो या सानू पता नहीं हैगा, तो वर्ल्ड की साउथ इंडिया की तुहानू ये फुलां वाले ट्रीज मिलणगे। पर सरसा दे विच ये कंसैप्ट बिल्कुल नहीं हैगा, तो मैं चाहना कि सरसा के लोग भी इन फ्लावरिंग ट्रीज नूं दा कंसैप्ट समझन, क्योंकि बहुत जरूरी साडे वास्ते, साडे कंट्री की ब्यूटीफिकेशन, शहर की ब्यूटीफिकेशन। कलरफुल होंगे तो असी कह सकांगे ना शहर साडा ब्यूटीफुल है। तो मैं वो कंसैप्ट लेके आया, तो मैं अपने मिशन का नाँ रखे जी ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सरसा। सिस्टम ही हल्ला हरारा कर लिया, उ निम, उही टाली, उही किकर, उही पाम, तो मैं चाहना थोड़ा जहा एक रंग दिता जाए, एक
ਨੈਚੁਰਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੋਰਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 145 ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਲਾਓ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 60 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ 200-300 ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦਾ 100-150 ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਸਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 500 'ਤੇ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੂਟੇ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਰੀਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਡ ਮੰਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੀਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸੀਡਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਪਲ ਟਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੀਡਰ ਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫੈਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਲੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨੌ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 60 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ 60 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹੋ ਜਾਣ 25 ਹੋ ਜਾਣ 40 ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਹ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਰਸ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਚੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੁਲਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से अपनी सभी संस्थाओं की तरफ से गुरुदत्त सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ढेर काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज मिलते-मिलते गवर्नमेंट से भी और संस्थाओं से भी एक्सपेक्टेड थे और बड़ी संस्था बन गई भाई जनेंद्र जी आशा। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज सिरसा जिला में इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है ये एक आदरणीय और बहुत ही किफायती है। पौधे रोपण में हमारा सिरसा जिला अगर विदेशों की तरह फूल पौधे वाला बने
हमें और क्या चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि ये पौधे लगाकर हम शहर को सुंदरता बनाएं। अगर हमारा शहर सिरसा और जिलों से अलग फूलों से फलों से भरपूर होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिरसा जिला कहाँ है। हम धन्यवाद करते हैं सिरसा जिला के सभी वासियों का जिन्होंने ये पौधारोपण लगाने का एक कर्तव्य पालन करने के लिए अपनी मुहिम छेड़ी है। और सभी मेरे सरपंच साथी जितने भी 338 गांव के सरपंच आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस बीज को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक एक बीज को हम अच्छी तरह उगा कर गाँव को हरा भरा रंग बिरंगा कर भारत देश के अंदर अपना सिरसा जिला नाम रोशन करेंगे। भाई गुरविंदर जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि जो इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है सारे सिरसा जिला को स्वच्छ बनाने की और सारे हरियाणा को स्वच्छ बनाने की। इससे एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण के बाद ऑक्सीजन हमें बढ़िया मिलेगी और जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा बढ़िया ऑक्सीजन होगी तो उससे शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। कि सिरसा के अंदर हरियाली की जाए, सिरसा का सुंदरता के लिए देखा जाए, इस प्रकार से हम समय समय पर प्रयास भी करते थे। आज उस प्रयास को गोविंदर सिंह जी ने आगे बढ़ाते हुए नई जो शुरुआत की है, मैं इनका आभारी हूँ। मंच पर बैठे सबसे पहले तो गोविंदर सिंह जी जो कि मेरे पिताजी के टाइम के उनके मित्र रहे हैं और मैं इनके अजीज हूँ जिन्होंने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर बैठे हमारे आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सुरेंद्र सिंह मैनवाला जी, DDPO बंसल साहब पहले भी सरसा में यहाँ रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने काम पंचायतों के लिए किया। तो मैं इनका फिर सिरसा दोबारा आने पर इनका आभार भी बढ़ करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। मैं समझता हूँ
जब सिरसा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आज के दिन का रेफरेंस भी आएगा। एक ऐसा नोबल कॉज विच इज नेसेसिटी फॉर टुडे, ये आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता है, और उसका आगाज कर रहे हैं मेरे बहुत ही अजीज भाई गुरविंदर सिंह। शुरुआत आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी शुरुआत है, इतनी तो होती नहीं है, चंद लोगों से होती है, जितने जितने लोगों से होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अभियान सामने आता है और उसके परिणाम सामने आते हैं। गुरविंदर जी मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपकी इस महान सोच का। कभी कभी मुझे लगता है, मैं ऐसा कहता हूँ कि एक सामान्य समझने वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है। आज यहाँ पर किसी सभागार में बैठे हुए दो व्यक्तियों का मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, एक तो सामने भाई गुरविंदर सिंह जी बैठे हैं और एक सुरेंद्र भाटिया जी बैठे हैं, एक भाई कन्हैया के संचालक हैं और दूसरे दिशा के संचालक हैं। मुझे पता है जब इन्होंने शुरुआत की थी तब क्या था, ये तो जानते ही हैं, शहर भी जानता है, लेकिन आज सिर्फ सिरसा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अगर मानवता के लिए भी जाना जाता है तो ये दो नाम हैं इनकी संस्थाओं के जो उनकी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, गुरविंदर सिंह जी, जो रास्ता आपने अपनाया है वो आसान नहीं है। समाज सेवा कई बार लगता है कि बड़ा अट्रैक्टिव नाम है, लेकिन जो इसको करते हैं कहते हैं कि जो तन है जिस पर लागे सो तन जाने, कदम कदम पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो पैदल व्यक्ति में सारी उम्र अपनी वैली बनाते रहेंगे, नेगेटिव बात करते रहेंगे, हर राम का मरा रहेंगे और आपको भी डीमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, पर कभी पीछे होते देखना मत। हाँ, एक मैं इससे सुझाव आपको जरूर देना चाहूंगा, मेरा अपना अनुभव कहता है, आपने जो तो सोचा है अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचा है, बहुत नोबल कॉज है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आप फ्री में दुनिया की सबसे बेस्ट की चीज डाके देोगे उसकी आगे कदर नहीं, आप इसका कुछ भी नहीं हो। अरे और बात है, जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, जिस पर ईश्वर की कृपा है और उसमें सामर्थ्य है उस चीज को लेने की और उसका शुल्क देने की, उस द्वारा निःशुल्क देना ही पाप है। मैं बहुत नम्रता से और आदर से और सम्मान से अपने तमाम साथियों को कहता हूं जो आज बीज लेकर जाएंगे, मेरी नम्र प्रार्थना है कि चाहे आप इसके बदले में 5 रुपए दें या 500 रुपए दें या 5,000 रुपए दें, अगर आप चाहते हो, और मैं आपको कहूं कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभियान आज यहां से चला है कल सारा अभियान रह जाए और दुनिया में हिंदुस्तान का एक उदाहरण आए, एक शख्स सिरसा के रिमोट एरिया में बैठा था और उसका नाम गुरविंदर सिंह था और हिंदुस्तान में इतना बड़े अभियान का संचालन कर दिया, लेकिन आप फ्री में ना पाओ। हमेशा आसमान की उपलब्धियों को देखो, मत समझो कि मेरे सामने सिर्फ सिरसा लगा है, मत समझो कि सिरसा जिला है, ये सोच के चलो कि मैंने हिंदुस्तान को बदलना है तो कभी बदला जाएगा अगर आप रेसिपी कराओगे। लेकिन आज के बाद 2-4-5 साल के बाद अगर कोई कहेगा कि सिरसा से आए हो, कौन सा सिरसा, बोला गुरविंदर सिंह वाला सिरसा, यही होगा। चीज किसी को फ्री मत देना, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। कि सब ये कहेंगे गुरविंदर सिंह जी वाला सिरसा तो यही होना चाहिए, बस ये सोचो कि इसको हमारा अंजाम ये होगा कि हर जगह पे कलरफुल फ्लावर्स होंगे, बस आगाज कर दो अभी से जाकर इस मिशन का। जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, 58 रिटायरमेंट एज है गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग, लेकिन गुरविंदर सिंह जी जो 63 ईयर्स ओल्ड, तो इस एज में वो अगर इतनी बड़ी मुहिम का फाउंडर पर्सन बन सकते हैं तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते, तो क्या हम सब साथ देंगे?
मेरा सपना ये है कि सरसा शहर में कोई भी एंटर करता है तो उसको बताने की जरूरत ना पड़ेगी ये सरसा है। वो पेड़ ही बता रहे होंगे कि सरसा शहर में वो आ गया, डिस्ट्रिक्ट में आ गया। मेरा नाम गुरविंदर सिंह कोमन है, मैं आई एम 63 इयर्स ओल्ड। मैं खैरपुर सरसा का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी सरसा में हुआ है और 1982 में मैंने गुजार मोटर नाम की फर्म यहाँ सरसा में खोली थी। मेरा बचपन से ही मैं अपनी मदर को गार्डनिंग करते देखता था। बड़े शौकीन है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स लगाने के, प्लांट्स लगाते रहते थे और मैं उनके साथ जाता था तो मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया था। मैं कई सालों से चंडीगढ़ भी कभी साउथ जाता रहता था तो वहाँ मैंने फ्लावरिंग ट्रीज देखे, बहुत खूबसूरत थे। तो मेरे दिमाग में आया क्यों सरसा में क्यों नहीं भाई हमारे। पिछले साल अगस्त में मैंने ये मिशन शुरू किया जिसका नाम मैंने ब्यूटीफुल इंडिया कलरफुल सरसा रखा। और मैंने ये कोई 7 वैरायटीज के 167 प्लांट्स पूना से मैंने मंगवाए और सरसा के भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ प्लांट्स लगाए। अब मेरा नया मिशन शहर से अब मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं 60 वैरायटीज के फ्लावरिंग ट्रीज, ऑर्नामेंट ट्रीज या शर्ब्स के सीड देना चाहता हूँ। मेरे सरपंच भाई बहन इस जिम्मेवारी को लें। ये एक नया प्रयोग है, एक नया एक्सपेरिमेंट है और बड़ी देर बाद होने वाला है तो कहीं पानी सूट नहीं करेगा, कहीं मिट्टी सूट नहीं करेगी, कहीं क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, पर वी होप फॉर द बेस्ट। अगर हम सब मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेते हैं, कामयाब कर लेते हैं तो मैं इस मिशन को नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में ये फ्लावरिंग ट्रीज मैं देखना चाहता हूँ। लेट्स मेक इंडिया मोर नेचुरली कलरफुल एंड ब्यूटीफुल।